स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेवन आई यू आई होप डर गुड एंड फाइन सो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस अगेन स्टार्ट हो चुकी हैं तो हम लोगों ने जो है वो अपनी रीडिंग स्टार्ट की हुई थी अब हम अपनी रीडिंग को कंप्लीट करेंगे तो अब हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि हम लोग नंबर थ्री की रीडिंग करते थे स्टोरी ऑफ इन्विटेशन ये एक तावतनामा की कहानी है इसमें हम लोगों ने जो है वो प्रीवियस ये पढ़ लिया था कि ग्रेस और बर्था जो है दोनों रूममेट हैं और दोनों को जो है वो स्कूल से गर्मियों की छुट्टियाँ होने वाली हैं तो जो ग्रेस है वो एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और ब्राइट स्टूडेंट है और अपने दोस्तों में और अपने टीचर्स में बहुत ज़्यादा फेवरेट है जबकि बर्था जो है वो एक खामोश रहने वाली मातमी लिबास में मलबूस लड़की है तो बर्था जो है वो एक दु दु दुकान पे काम करने का सोच रही है जबकि ग्रेस जो है वो अपनी छुट्टियों के लिए जा रही है अपनी आंटी मैक के पास तो देखते हैं कि नेक्स्ट जो है वो हम लोगों ने आज क्या पढ़ेंगे स्टोरी में तो उसके साथ ही हम हाँ, अपने लेसन को भी कंप्लीट करेंगे नाउ वी आर ऑन पेज नंबर थर्टी थ्री बिलीव आई बिलीव शी कुड नॉट स्टैंड टू मंथ्स एट क्लॉक वैंस थॉट बर्फा बर्था इफ़ आई वर नॉट गोइंग टू आंट मैग आई वुड आस्क हर टू गो होम विद मी आई बिलीव मुझे यकीन है शी को नॉट स्टैंड टू मंथ्स एट क्लॉर्क मैनस कि ये दो महीने से ज़्यादा क्लार्क मैन के यहाँ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी थोट बर्था बर्था ने सोचा इफ़ आई वर नाट गोइंग टू आंट्स मैग आई वुड आस्कू गो होम विद मी अगर मैं आंटी मैग के यहाँ ना जा रही होती तो इसे अपने साथ अप घर चलने को कहती और इवन इफ आंट मैग हैड रूम फॉर एन अदर गेस्ट आई हैड जस्ट राइट हर ऑल अबाउट ग्रेस एंड आस्क इफ़ आई कुड ब्रिंग हर विद मी और इवन इफ आंट मैग हैड रूम फॉर एन अदर गेस्ट और अगर आंटी मैग के यहाँ एक और कमरा होता या एक और मेहमान की जगह होती आई हैड जस्ट राइट हर ऑल अबाउट ग्रेस एंड आस्क इफ आई कुड ब्रिंग हर विद मी तो मैं उन्हें ग्रेस के बारे में खत में सब कुछ लिख देती और पूछती कि क्या मैं इसे साथ ला सकती हूँ आंट मैग वुड अंडरस्टैंड शेज अंडरस्टैंड आंट मैग समझ जाती हैं वो हमेशा समझ जाती हैं बट शी बट शी हैज़ नोट सो इट कांट बी लेकिन इनके पास जगह नहीं है इसलिए ऐसा नहीं हो सकता जस्ट एन आटेड ऑन बर्थाज ब्रेन इसी वक्त एक खयाल बर्था के जहन में आया वट नॉन सेंस कितनी बेव अहमकाना या बेवकूफ काना बात है शी सेड अलाउड सो सडनली एंड फोर्सिबली डेट ग्रेस फेयरली जम्प्ड नॉन सेंस अहमकाना फोर्सिबली जोर से शी सेड अलाउड सो सडनली एंड फोर्सिबली डैट ग्रेस फेयरली जम्प्ड उसने इतनी बुलंद आवाज में इतनी अचानक और इतने ज़ोर से कहा कि ग्रेस ज़ोर से उछल गई वट इज़ ये क्या है नथिंग मच सेट बर्था कुछ नहीं बर्था ने कहा गेटिंग अप ब्रिस्कली तेजी से खड़े होते हुए सी हेयर देखो आई एम गोइंग टू गेट वर्क आई हैव आई हैव वेस्टेड इनफ टाइम देखो मैं काम में लगने वाली हूँ मैंने काफ़ी वक्त ज़ाया कर लिया है she curled her uh, she curled herself up on the divan and tried to study her senior english wo divan par simat kar baith gayi aur senior angrezi padhne ki koshish karne lagi but her thoughts wandered hopelessly and finally she gave it up in despair and went to bed lekin उसके ख्यालात बुरी तरह से भटकते रहे और बिलाखिर इसने मायूस होकर काम छोड़ दिया और बिस्तर पर जा लेटी देअर शी कु नोट स्लीप वहाँ वो सो ना पाई शी ले अवेक एंड रेसल्ड विद हर सेल्फ रेसल्ड कहते हैं लड़ते रहना ले अवेक एंड रेसल्ड विद हर सेल्फ वो बेदार पड़ी रही और खुद से लड़ती रही इट वॉज़ आफ्टर मिड नाइट आधी रात के बाद का वक्त था वैन शी सेटअप इन बैट एंड सेट सोलमली आई विल डू इट सोलम्बली का मतलब है संजीदगी से आधी रात का वक्त था जब वो बिस्तर से उठ कर बैठ गई और संजीदगी से बोली आई विल डू इट मैं ये करूँगी नेक्स्ट डे बर्था रोट आ कॉन्फिडेंशियल लेटर टू आंट मैग कॉन्फिडेंशियल लेटर खुफिया खत अगले रोज़ बर्था ने आंटी आंटी मैग को एक खुफिया खत लिखा शी शी थैंक हर फॉर हर इनविटेशन एंड देन टोल्ड हर आल अबाउट ग्रेस उसने उन्हें दावत नमे पर उनका शुक्रिया अदा किया और उन्हें ग्रेस के बारे में सब कुछ बताया एंड वट आई वॉन्ट टू आस्क और जो मैं दरख्वास्त करना चाहती हूँ आंटी मैग आंट मैग

मुझे नाशुक्री मत समझें या ये मत समझेगा कि मैं ना शुक्री हूँ नो आई एम श्योर यू वॉन्ट यू ऑलवेज अंडरस्टैंड थिंक नहीं मुझे यकीन है आप ऐसा नहीं करेंगी आप हमेशा चीज़ों को समझ जाती हैं बट यू कॉन्ट हैव अज बोथ आई हैड रेदर ग्रेस शुड गो इट विल डू हर सो मच गुड एंड आई हैव अ लवली होम ऑफ माई आउन टू गो एंड शी हैज़ नॉन बट यू कॉट हैव अस बोथ लेकिन आप हम दोनों को मेहमान नहीं बना सकती एंड आई वेदर ग्रेस शुड गो और मैं चा, चाहती हूँ कि ग्रेस चाय या मेरी तरजीह है कि ग्रेस चाय आई विल डू हर सो मट विल डू हर सो मच एंड आई हैव अ लवली होम ऑफ माई ऑन टू गो एंड शी हैज़ नन मेरे पास मेरे लिए मेरे पास जाने के लिए अपना प्यारा सा घर है इसे इसको बहुत फायदा होगा इसके पास कुछ नहीं है यानी कि वो बिल्कुल अकेली है आंट मैग अंडरस्टैंड एज यूजल एंड वाज़ परफेक्टली विलिंग आंटी मैग हमेशा की तरह समझ गई पूरी तरह से मादा हो गई सो शी रोड टू बर्था एंड इन क्लोज आर नोट ऑफ इन्विटेशन फ़ॉर ग्रेस तो इन्होंने बर्था के लिए एक खत लिखा और साथ ही ग्रेस के नाम दावतनामा लिफाफे में डाल दिया आई शेल हैव टू मैनेज दिस अफेयर वेरी केयरफुली मैं मुझे बहुत एहतियात से काम करना होगा या मुझे बहुत एहतियात से इस मामले को हल करना होगा रिफ्लेक्टेड बर्था बर्था ने संजीदगी से सोचा ग्रेस मस्ट नवर सस्पेक्टेड डैट आईड इट ऑन परपजस ग्रेस को कभी यह शुभा नहीं होना चाहिए कि मैंने जानबूझ कर ऐसा किया आई विल टेल हर डैड सरकम्स्टेंसिस है फ्राम एक्सेप्टिंग मैं उसे बताऊंगी कि मुझे हालात ने आंटी ग्रेस के दावत दावतनामे को कबूल करने से रोक दिया डेट इज़ ट्रू इनफ नो नीड टू से डेट दर्कम्स्टांसिस आर हर्ट्स नोट माइन ये बात भी अपनी जगह सच है कि कहने की कोई ज़रूरत नहीं कि हालात इसके हैं मेरे नहीं एंड आई विल से आई जस्ट आस्क आंट मैक टू इन्वाइट हर इन माई प्लेस एंड डैट शी हैज डन सो और मैं कहूँ कि मैंने आंटी ग्रेस से अपनी जगह दावत नाम है या दावत देने का कहा और उन्होंने ऐसा कर दिया तो ग्रेस जो है वो बर्था के लिए उसने खत लिखा आंटी मैग को और वो ये चाह रही है कि बर्था कोई बात पता भी ना चले कि उसने उसके लिए खत लिखा है उसको वो यही कहेगी कि मैं कुछ हालात की वजह से दावत नमा कबूल नहीं कर पा रही और मैंने आंटी मैग से कहा है कि वो मेरी जगह तुम्हें बुला लें या तुम्हें इन्वाइट कर लें When Grace came home from her history examination that day, डे told her the story and gave her aunt's आंट्स cordial note. कोर्डियल नोट मोहब्बत भरा खत और जब ग्रेस तरीक का इम्तिहान देकर घर वापस आई तो बर्था ने इसे कहानी सुनाई और इसे आंटी ग्रेस का मोहब्बत भरा खत थमा दिया यू मस्ट कम टू मी इन बर्थाज प्लेस हो रोड द लेटर बर्था की जगह तुम्हें मेरे पास आना चाहिए खत में लिखा था I feel as if I knew you from her letter and I will consider you as a sort of honorary niece and I will treat you as if you were Bertha here मुझे लगता है कि इसके खत पढ़कर मैं तुम्हें जानने लगी हूँ और मैं तुम्हें एक तरह की एजाजी भतीजी समझूंगी और मैं तुमसे वैसा ही बर्ताव करूंगी जैसा कि तुम खुद बर्था हो ज नॉट इट्स स्प्लेंडेड ऑफ आंट मैग said बटा डिप्लोमैटिकली आंटी मैक की तरफ से ये बहुत अच्छी बात नहीं बर्था ने मामला साजी करते हुए कहा ऑफकोर्स यू विल गो ग्रेसी तुम यकीनन जाओगी ग्रेसी ओह आई डोंट नो सेट ग्रेस इनडरमेंट बेविल हैरानी से ओह मैं नहीं जानती ग्रेस ने चक्राहट के आलम में कहा आर यू श्योर यू यू डोंट वांट टू गो बर्था बर्था क्या तुम्हें यकीन है कि तुम नहीं जाना चाहती ओ इन डीड आई वांट टू गो ड्रेटफुली सेट बर्था फ्रेंकली यकीन मैं जाना चाहती हूँ बहुत ज़्यादा बर्था ने साफ कोई से कहा

इन द एंड ग्रेस डिट गो लिटल पजल्ड एंड डाउटफुल स्टिल आखिर मैं ग्रेस चली ही गई और अब भी कुछ उलझी हुई और शक्का शबे का शिकार बट थैंकफुल बी ऑन वर्ड्स टू एस्केप द ड्रगरी ऑफ द काउंटर एंड द नॉइज एंड हीट ऑफ द सिटी लेकिन काउंटर की नागवार मुशक्कत और शहर के शोरगुल और गर्मी से बच निकलने पर इतनी शुक्रगुजार के कुछ कहने से भी कासर बर्था वेंट होम बर्था घर चली गई फीलिंग आ बिट ब्लू इन सीक्रेट इट कैन नॉट बी डिनाइड मगर दिल ही दिल में थोड़ी सी उदासी महसूस करते हुए It cannot be denied, इसे इनकार नहीं किया जा सकता से sure मगर साथ ही साथ पूरे यकीन के साथ समझते हुए कि अगर इसे फिर से ये सब करना पड़े तो वो फिर बिल्कुल ऐसा ही करेगी यानी कि अगर फिर से उसे अपने दोस्त के बारे में सोचना पड़े तो वो सोचेगी मैं समर क्विकली बाय एंड फाइनली टू लेटर्स केम टू बर्था वन फ्रॉम आंट मैग एंड वन फ्रॉम ग्रेस गर्मियाँ तेजी से गुजर गई बिला आखिर बर्था को दो खाता है एक आंटी मैग की तरफ से और दूसरा ग्रेस की तरफ से आई हैड अ लवली टाइम मेरा बहुत अच्छा गुजरा रोड द लेटर खाने में लिखा एंड ओह बर्टी वट डू यू थिंक और बर्टी तुम्हारा क्या ख्याल है आई एम टू स्टे हेयर ऑलवेज ओह ऑफ कॉर्स आई एम गोइंग बैक टू स्कूल नेक्स्ट मंथ बट दिस इज टू बी माई होम आफ्टर दिस आई एम टू स्टे हेयर ऑलवेज तुम्हारा क्या ख्याल है कि मुझे हमेशा यहाँ रहना होगा ऑफकोर्स आई एम गोइंग बैक टू स्कूल नेक्स्ट मंथ यकीन अगले माह स्कूल वापिस जा रही हूँ बट दिस इज टू बी माई होम आफ्टर दिस लेकिन इसके बाद यही मेरा घर होगा शी आंट मैग शी मेक्स मी कॉल हर डैड से आई मस्ट स्टे विद हर फॉर गुड आंट मैग वो मुझ पर जोर डालते हैं कि इन्हें यही कहकर बुलाऊं। कहती हैं मुझे हमेशा उनके साथ रहना होगा इन आंट मैग लेटर वाज पैराग्राफ। आंट मैग के जो है खाते में ये पैराग्राफ था ग्रेस इज राइटिंग टू यू एंड विल हैव टोल्ड यू डैट आई इंटेंड टू कीप हर हेयर ग्रेस तुम्हारे नाम खत लिख रही है और उसने तुम्हें बता दिया होगा कि मैं इसे यहाँ रखने का इरादा रखती हूँ यू नो नो आई हैव ऑलवेज वांटेड अ डॉटर ऑफ माय ओन तुम जानते हो कि मुझे हमेशा से अपनी ए, अपनी एक बेटी की ख्वाहिश थी बट माई ग्रीडी ग्रीडी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वुड नेवर गिव मी वन ऑफ देयर्स लेकिन लालची भाइयों और बहनों ने कभी अपनी बेटियों में से एक मेरे हवाले नहीं की सो आई इंटेंट टू अडोप्ट ग्रेस इसलिए मैंने ग्रेस को लेने का गोद लेने का इरादा रखती हूँ शी इज़ स्वीटेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर सेंडिंग हर हेयर वो दुनिया की सबसे प्यारी लड़की है और इसे यहाँ बेचने के लिए मैं तुम्हारी बहुत शुक्र गुजार हूँ यू विल नॉट नो हर वैन यू सी हर जब तुमने उस देखोगी तो पहचान नहीं पाओगी शी हैज़ ग्रॉन्ड प्लम्प एंड रोजी वो बहुत वो मोटी या और सुर्खो सफेद हो गई है बर्था फोल्डेड हर लेटर्स अप विद अ स्माइल बर्था ने एक मुस्कुराहट के साथ खत अपने खत तय किए आई हैव वेग डिलाइटफुल फीलिंग डैट आई एम गुड एंजल इन द स्टोरी बुक शी सेट मुझे एक मुबहम सा खुशकन एहसास हो रहा है यानी कि मशकूक सा वै मतलब बेमायनी या मशकूक मुझे एक बेमायनी सा खुशकन एहसास हो रहा है कि मैं कहानियों की एक किताब की तरह अच्छी फरिश्ता हूँ उसने कहा तो ये थी हमारी आज की स्टोरी जो कि दो दोस्तों के बारे में थी और एक दावत नामे की कहानी थी दावत आया था बर्था के लिए तो लेकिन वो चाहती थी कि सॉरी दावत आया था ग्रेसी के लिए और वो चाहती थी कि बर्था जाए वहाँ पर लेकिन बर्था चाहती थी कि ग्रेस ही जाए तो इसके साथ जो है हमारी आज की कहानी ख़त्म होती है तो स्टूडेंट्स आपने रीडिंग को सुनना है इसको लाजमी याद करना है अपने टीटर या पेरेंट्स को सुनाना है एक्सरसाइज हम अपनी इंशाल्लाह कल करेंगे तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दुआ में ज़रूर याद रखिएगा स्टे होम स्टे सेफ अल्लाह हाफिज़